तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये ऑनलाइन कोर्स, जिसमें हम एमएस ऑफिस के बारे में सीख रहे हैं। और एमएस ऑफिस में हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको कॉपी पेस्ट करना सिखाया, हमने आपको फॉर्मेटिंग करना सिखाया। तीसरा आता है पैराग्राफ, मतलब टाइप करते समय जो पैराग्राफ टाइप कर रहे हो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, इसके बारे में हम आपको आज की क्लास में सिखाएंगे। और तरुण शर्मा जी, मैंने आपको म्यूट किया है क्योंकि आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा था। कुछ डाउट होगा तो अनम्यूट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ मतलब कि किस तरह से आपने जो टाइप किया है उस टाइपिंग को मैनेज किया जाए। तो सबसे पहला बात आता है अलाइनमेंट। जो आपने टाइप है अभी क्या है, लेफ्ट टू राइट की तरफ अलाइन है, तो इनको आप अपने हिसाब से भी अलाइन कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो सेंटर से तो सेंटर कर सकते हो। अब सेंटर की क्या जरूरत पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक टाइटल लिखना चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा टाइटल कि द वर्ड, द एमएस वर्ड, एमएस वर्ड लिखा। तो टाइटल है तो टाइटल बीच में और बोल्ड आना चाहिए, क्या सर? टाइटल बीच में और बोल्ड आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पे इनको सिलेक्ट करेंगे, टाइटल को सिलेक्ट करेंगे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैब मारते हैं, टैब मार के जाना सही नहीं रहेगा। आप इसको सिलेक्ट कीजिए और हमने सेंट्रल कर दिया, और साइज बढ़ा सकते हैं और इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो जो सिलेक्शन करेंगे तो होगा, या आप फिर चाहते हैं कि नहीं मैं 20 से ही करूं तो 20 ले सकते हैं, लेकिन इनका यूज नहीं होता है। बेसिकली हम लोग लेफ्ट यूज करते हैं या राइट यूज करते हैं। राइट बहुत कम केसेस में होता है, लेफ्ट ही, जो लेफ्ट है सबसे अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे यूज होता है आपका जस्टिफाई। जैसे कि न्यूज पेपर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो कॉलम, क्या बोल रहे हैं, पिछला समझ नहीं आया, पिछला समझ नहीं आया। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि सेंट्रल के, कि हम जब टाइपिंग कर, जब भी हम टाइप टाइप करते हैं, टाइप करते हैं ना, कुछ भी टाइप करते हो तो स्टार्टिंग से लेफ्ट से स्टार्ट होता है, पता है ना सर? जैसे मुझे यहाँ कुछ लिखना है तो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। ऐसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा तो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइटल बीच में आना चाहिए। क्योंकि मोस्टली आप देखते हो कि कोई भी पेपर वगैरह या कोई भी एप्लीकेशन या कोई बुक वगैरह, तो उसमें उसका जो टाइटल होता है, जो हेडिंग होता है, वो तो बीच में होता है। तो आप भी चाहते हो मेरा हेडिंग बीच में आए, तो जितना हेडिंग है आपका उतने एरिया को आप माउस से सिलेक्ट कर लो या कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहां पे देखिए सेंट्रल का ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल और ई एक साथ दबाएंगे तो ये आएगा, क्लिक करते ही आपका वर्ड जो है बीच में आ जाएगा। फिर इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करना, जैसे कुछ लोग इसकी साइज बढ़ा देते हैं, कुछ लोग इसको बोल्ड कर देते हैं, तो वो चीजें आप कर सकते, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपके जो पैराग्राफ है उसको सेंटर करने की जरूरत नहीं है, उसको सेंटर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेंटर करने पर थोड़ा सा खराब लगेगा, और नहीं आप लेफ्ट करेंगे क्योंकि लेफ्ट अगर आप करते हो तो भी आपका डेटा सही नहीं दिखेगा, क्योंकि लेफ्ट से बहुत कम लिखते हैं। तो लेफ्ट का यूज कब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने टाइटल लिखा हुआ है, मुझे डेट लिखना है, मैंने डेट लिख दिया कि डेट, और आज का डेट जो है जैसे कि हमने दे दिया 29 जैन 2018, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि डेट जो है मेरा राइट में यहां दिखना चाहिए, क्योंकि जनरली डेट जो होता है राइट साइड में ही दिखता है, ठीक है।
हम डेट के डेट को सिलेक्ट करेंगे और इसको राइट में कर, समझ में आया? नहीं सर, क्या दिक्कत आ रही है बताइए। दोबारा से बता दीजिए, मेरे बीच में नेट की प्रॉब्लम आ रही थी इतनी। मैं दोबारा समझाता हूं, मैं सेंटर समझ में आ गया ना आपको? हाँ जी, ये सेंटर समझ में आ गया, इसको भी समझाओ। सेंटर तो आ गया। हाँ, तो सेंटर आ गया मतलब कि टाइटल को जैसे हम सेंटर में रखते हैं, वैसे ही अगर आप डेट लिखना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में या अपना नोट पे, तो डेट मोस्टली हम लोग यहाँ इस जगह पर लिखते हैं। डेट को मोस्टली हम लोग इस जगह पर लिखते हैं, इसको हम राइट साइड कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखी इस जगह पे? तो इस जगह पे लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले लिख लेते, जहां राइट में या सेंटर में, सेंटर ही है राइट ही है, हम इसको लिख जनरली जैसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पे टाइप कर दिया डेट डेट, और यहां पे हम डेट लिखे 1 जन 2018 या फिर 29 जैन कर दीजिए, आज का डेट कर देता हूँ, लिख लिया। अब मुझे इसको जो है ना यहां पे करना है, जहां पे भी मैंने राउंड किया था, जहां मैंने घेरा था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे मैंने सेंटर किया था, सेंटर के जस्ट बगल में हमारा राइट का है, उस पे क्लिक कर दीजिए, ये राइट में चला जाएगा। अब समझ में आया? गया। समझ में आया, फिर दोबारा समझाओ। ओके, चल। ओके, अब बात आती है जस्टिफाई की। जस्टिफाई जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है, तो इसमें आप देख रहे हैं, आप एक चीज ध्यान रखिए दीजिए कि आपका लाइन यहां तक है, पहला लाइन, दूसरा लाइन यहीं तक है, और तीसरा लाइन यहां है। इसमें सेम देखिए कि पहला लाइन कम है, बीच का लाइन ज्यादा है, और नीचे वाला लाइन छोटा है, उसके नीचे लाइन है। दिख रहा है सर आपको? जी तो मैं चाहता हूं कि नहीं यार, सारा लाइन इक्वल होना चाहिए। बहुत सारे न्यूज पेपर में आप देखते हो ना, जो पैराग्राफ होते सब इकट्ठा होता है, एक जैसा होता है। तो मैं चाहता हूं जी जैसे राइट से देख रहे ना, एक बराबर है सारा, लेफ्ट से माफ कीजिएगा, लेफ्ट से एक बराबर है, ऐसे ही राइट से भी एक बराबर। तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे जस्टिफाई, कि आप जितना टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हो, मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं पूरा को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहां ऊपर जो है जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल और उसके साथ जे, क्लिक कीजिए। फिर सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करता हूं, तो आप देखोगे कि जस्टिफाई हो गया ना सर, एक बराबर, जैसे इधर है ऐसे इधर। तो तीनों समझ में आ गया, अलाइनमेंट पे आ गया, समझ में? लेफ्ट, सेंटर, अलाइन एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई लाइन को अलाइन कर सकते हो आप, मतलब कि उसको अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो लेफ्ट राइट सेंटर में। अब अगला जो आता है वो आता है पैराग्राफ का स्पेसिंग। जैसे देखिए, एक लाइन बाय लाइन जैसे दिख रहा है आपको, लाइन बाय लाइन, जिसकी स्पेसिंग नॉर्मल है,
लेकिन हमारे यहाँ पे आप स्पेसिंग को बढ़ा या घटा सकते हो। दिख रहे हैं आप, जैसे मैंने 1.2 अभी 1 है, नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। अब मैं किया थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ा, जी देखिए कहाँ बढ़ा स्पेस, ए स्पेस बढ़ गया, समझ गया। यहां पे देखिए कम जी स्पेस है ना, और यहां पे ज्यादा स्पेस, समझ गए। तो किसी ने इस तरह का स्पेस अगर डाल रखा है और स्पेस आपको नहीं चाहिए, किसी ने स्पेस डाल दिया है नहीं चाहिए, यहाँ एरो निशान दिख रहा है ऊपर और नीचे का, ये दिख रहा है ना एरो निशान ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेस और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड करना भी है और यहाँ पे रिमूव करना भी है। रिमूव पे क्लिक करोगे तो सारा स्पेसिंग हट जाएगा अगर पहले से है तो, या फिर इसको वन क्लिक कर दो तो उस पे आ जाएगा। एक बार दोबारा सुन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन में कितना गैप है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में गैप का कितना है। तो जनरली 1 का गैप होता है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो गैप बढ़ा देते हैं, जैसे 1.5 कर दिया, या फिर 1.50, 1.5 हो गया, 15 हो गया, या 2 हो गया, 2.5 हो गया, या 3 हो गया। ठीक है ना सर, पता चल रहा है। ऐसी स्पेसिंग आप डाल सकते हो, और किसी ने स्पेसेस डाल रखी है तो यहां से आप हटा सकते हो, या डाल सकते हो या हटा सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब किसी इंटरनेट पे किस पेज से, या फिर किसी अलग वेबसाइट से, या किसी अलग सॉफ्टवेयर से डेटा कॉपी पे जब पेस्ट करते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि ये स्पेसिंग एक लाइन से दूसरे लाइन की स्पेसेस जो है वो नॉर्मल स्पेसिंग नहीं रहता है। तो आप रिमूव करके नॉर्मल स्पेसिंग या फिर नॉर्मल स्पेसिंग डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, जी डाउट तो नहीं है स्पेसिंग में। तो आपने दो टॉपिक को सीखा, पहला अलाइनमेंट करना, दूसरा स्पेसिंग करना, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी फिर तीसरा आता है, ये आता है आपका शेडिंग, मतलब इसके बैकग्राउंड में कलर करना। तो जैसे कुछ आपने लिखा है उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो कलर, एक तो यहां से भी कलर है, एक कलर क्या करना है, जस्ट जितना ये देखिए इस ये जो हाइलाइटर है और ये दोनों एक सिमिलर सा आपको लग रहा होगा, लग रहा है ना अरुण जी। हाइलाइट ये भी क्या करता है, बैक कलर करता है और ये भी कलर करता है, दोनों का डिफरेंस पता है क्या है। अगर आप हाइलाइटिंग करते हो तो देखिए जितना एरिया टेक्स्ट का है उतना ही एरिया कलर किया है इसने, राइट। लेकिन अगर मैं ये टैली करता हूं, मतलब बैकग्राउंड कलर करता हूं, तो यहां भी क्या करता है, देखिए ये कोड कलर यहीं तक इसका टेक्स्ट, इसके आगे भी कलर कर दिया है, बट यहां पे ऐसा कलर नहीं, समझ गए। क्लियर सर, तो इसे कलर करना समझ में आ गया और डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का। ये लाइन में लाइन करता है, मतलब जो हाँ, जैसे कि लाइन हुआ ना, मान लीजिए इसमें एक लेटर भी लिखा रहेगा फिर भी पूरा लाइन यहां तक करेगा, लेकिन इसमें क्या है कि जितना लेटर लिखा रहेगा उतना ही लाइन कलर करेगा ऊपर वाला, इसमें इन दोनों में डिफरेंस ये है, समझ गए। अब इसमें अगला जो ऑप्शन आता है ये देखिए है आपका डिक्रीज का, जैसे कि मैंने नीचे लिख दिया थैंक्स, थैंक्स एंड
तो जैसे कि इसको ऊपर, अभी तो आपने पहले बताया कि मैं इसको अगर लेफ्ट करूं तो लेफ्ट में आ जाएगा, लेकिन मैं इसको लेफ्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं लेफ्ट से थोड़ा इधर रहे, मैं इसको सेंटर भी करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सेंटर के बाद और लेफ्ट से पहले रहे, समझ गए? मतलब कि मैं इसको यहां यहां पर रखना चाहता हूं, लेकिन लेफ्ट और सेंटर करने से उस जो जिस जगह मैं चाहता हूं उस जगह नहीं जा रहा है, तो उस केस में इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां आपका इंडेंट होगा ऊपर जो दो एरो निशान से इंडेंट। तो इंडेंट करेंगे तो एक एक टैब के हिसाब से अलग होगा और जहां पे आपको रखना है वहां पे उसको रख, समझ गए? तो ये अलाइनमेंट में क्या है कि ये फिक्स है इसका कि लेफ्ट से कर देगा या ये सेंटर कर देगा या राइट कर देगा, लेकिन इंडेंट क्या है कि ये अपने हिसाब से जहां रखना चाहते हो ये, मतलब कि ये समझो ना कि थोड़ा थोड़ा अलग जाता है और जिस जगह फिट करना चाहते हो जगह फिट कर सकते हो। तो जैसे कि रिज्यूम बना रहे हो उसमें होता है ना पैलेस डेट सिग्नेचर, और सिग्नेचर के नीचे ही उसका सिग्नेचर का जगह होना चाहिए, समझ गए? जैसे कि सिग्नेचर के जगह पे मैं चाहता हूँ सिग्नेचर यहाँ ही होना चाहिए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिग्नेचर के लिए डैश डाल दिया ये, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मान लीजिए राइट कर दिया तो ये अलग चला गया ना, मैं चाहता हूँ इसी के नीचे रहे, तो उस केस में मैं यहां से एक एक करके हटा सकता हूं। तो पहले और देख रहे ना, एक एक करके आप, सही लग रहा है? सही लग रहा है ना सर? तो इसका इस्तेमाल कर, अब होता क्या है कि जैसे कि मैंने अभी ये स्पेसिंग बताया था आपको, स्पेसिंग आपने यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करके स्पेसिंग यहाँ से स्पेसिंग मैंने टू स्पेसिंग कर दिया। दिक्कत ये होता है कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि इसके बीच में स्पेस है या एंटर मारा हुआ है, क्या दिख रहा है आपको सर? तो उस केस में आप ये यहां दिख रहा एक पी का ऐसा मार्क है उस पर आप क्लिक कर लीजिए, तो जहां जहां एंटर प्रेस किया गया है वहां वहां आ जाएगा, समझ गए? मतलब कि यहां के बाद नहीं है। पैराग्राफ चेंज। अब जैसे कि मैं वही बता रहा हूं कि मैंने अभी यहां पे ये जो स्पेस दिख रहा है ना आपको लाइनिंग किया, देखिए ये जो लाइनिंग की स्पेस दिख रही है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस हमने ऐड नहीं किया है, ये हमने यहां से किया है, ये एंटर नहीं है, लेकिन जो ये स्पेस है मतलब ये एंटर है, मतलब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट करके इसको कम कर सकता हूँ, समझ गए? यहां से पैराग्राफ खत्म हुआ है नया पैराग्राफ हुआ, लेकिन यहां पे क्या है कि ये जो स्पेस आ रहा है वो स्पेस ऐड किया गया है स्पेसिंग के जरिए। तो जब स्पेसिंग जब रिमूव करते हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्पेसिंग है लेकिन असल में स्पेसिंग नहीं होता है, वो एंटर प्रेस किया हुआ होता है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जाइए अभी आपको दिख रहा है स्पेसिंग दिख रहा है ना, मैं एक चीज और मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने स्पेस ऐड नहीं किया, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने से पता चल रहा है, दोनों सेम लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि स्पेस सेम है लेकिन ए स्पेस को हमने ऐड किया था, इस स्पेस को रिमूव करने के लिए इसको सिलेक्ट करके मुझे यहां पे वन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन इस स्पेस पे जाके अगर मैं वन पे क्लिक करूं तो मेरा स्पेस नहीं घट रहा है, नहीं घट रहा है ना, क्यों? क्योंकि एंटर मारा हुआ है, एंटर से स्पेस किया गया है। तो ये चीज आइडेंटिफाई कैसे करें, तो ये पी पे क्लिक करेंगे तो ये सब जगह पे पैराग्राफ का साइन लगा देगा, पैराग्राफ साइन बोलते हैं,
तो पता चलता है कि अच्छा वो एंटर है, तो हम नॉर्मली इस पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके और डिलीट क्लिक को प्रेस करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। समझ में आया सर? नहीं सर। अच्छा नहीं समझ में आया, चलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये स्पेसिंग समझ में आ गया था, लाइन स्पेसिंग स्पेसिंग समझ में आया था आपको। ये स्पेसिंग क्या करता लाइन के बीच में स्पेसिंग करने में से। है? लाइन के बीच में स्पेस देता है, जैसे टू हमने दे दिया ना स्पेस है। लेकिन यहां पे है क्या, यहां पे किसी ने स्पेस दे दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एंटर प्रेस कर, तो यहाँ पे कर्सर रखा और एंटर प्रेस किया तो यहाँ स्पेस आ गया, फिर यहाँ पे कर्सर रखा एंटर प्रेस किया तो ये स्पेस आ गया, समझ गया ना? अब दोनों में कैसे पता चलेगा कि स्पेस एंटर से लाया गया है या स्पेसिंग से लाया गया है? दोनों तो अब समझ में आया। क्या होता है, इस पे जब हम क्लिक कर देते हैं, जहां जहां एंटर लगा हुआ है वहां उसके सामने आ जाता है, उससे हमें पता चलता है कि जो स्पेस है वो एंटर प्रेस किया गया हुआ है, और जो स्पेस को डिलीट करना होगा कर्सर रख के डिलीट यूज करना होगा, समझे? और है इसको रिमूव करने के लिए हमें स्पेसिंग में जाके स्पेसिंग को कम करना पड़ेगा। तो ये चीज पता करने के लिए, समझ गए? आया कि नहीं आया? अब समझ में आया? तो ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको आज मैंने बताया क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, बैकग्राउंड कलर एंड पैराग्राफ मार्क एंड इंडेंट। ठीक है, कल हम बुलेट्स के बारे में सीखेंगे, नंबरिंग एंड बुलेट्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे सेम 3-4 पेज टाइपिंग कीजिए और भेजिए। और मुझे भेज ही रहे हैं टाइपिंग, आप टाइपिंग नहीं, मैं बोला टाइपिंग आपको डेली करना है, तो टाइपिंग ठीक आप